अधिकतर जानवर अपने मालिक से मिले प्रेम और स्नेह को कभी नहीं भूलते। पर क्या होगा अगर आपका वही जानवर गुम हो जाए? और आज हम देखेंगे कुछ ऐसे ही अनमोल पल जिसमें जानवर अपने मालिक से लंबे समय के बाद मिलेंगे। बहुत लंबे अंतराल के पश्चात ये महिला अपने फ्रीजी नामक घोड़े से मिल रही है, जिसका ये ध्यान रखा करती थी। जिसे देख ये महिला तो रोने ही लगी और घोड़े ने भी अपना सर नीचे झुका लिया था। ये पक्षी प्रारंभ में इतना कमजोर था कि इसे इसके अपने ही समूह ने इसे नकार दिया था। तो ऐसे में इन महोदय ने इसका ध्यान रखा और जब ये ठीक हो गया तो इसे अन्य पक्षियों के साथ छोड़ दिया गया। और कई महीनों बाद जब ये जनाब इससे मिलने आए तो ये इन्हें देखते ही भागा भागा इनके समीप आ गया। ये युवती इस मलयूकन कुकाटू को दोबारा लेने आई है, जिसे के इन्हें कुछ समय के लिए अपनी सखी की दुकान पर रखना पड़ा था। वैसे दोनों ही एक दूसरे को देख बहुत प्रफुल्लित हो गए थे। मुझे लगता है कि शायद ये इनका ही इंतजार कर रहा था। ये कुकुर पहले सेना में था, जिसे के रिटायर होने के बाद उसके साथी सैनिक ने ही अपना लिया। और अब जब वो कुछ समय बाद अपने घर वापिस आ रहा था तो ये कुकुर हवाई अड्डे पर ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे बहुत से लोग मानते हैं कि बिल्लियां अपना स्नेह जल्दी नहीं जताती, पर मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि उन्हें ये पल भी एक बार देख लेना चाहिए। बिल्ली को भी एहसास था कि सैनिक बहुत समय बाद आया है। रूकी नामक ये कुत्ता इस गाय के साथ तब से रह रहा है जब से ये पैदा हुआ था, और वित्तीय स्थिति ठीक ना होने की वजह से उसके मालिक ने ना चाहते हुए भी अपनी ये गाय बेच दी, जिसके वियोग में ये कुकुर बार बार घर छोड़कर भाग जाता था। और अब जब गाय के पुराने मालिक की वित्तीय स्थिति ठीक हो गई तो गाय को पुनः वापिस ले आया गया। एक गंभीर बीमारी के चलते इन महोदय को हॉस्पिटल में रहना पड़ा और दवाइयों के चलते इनके शरीर में थोड़ा परिवर्तन आ गया था, और अब इनका अपना ही कुकुर इन पर घुर्रा रहा था, बस जब तक कि उसने इन्हें सूंघा नहीं। बेचारा कितना प्रसन्न हो रहा है। डैम्बियन स्पाइनल ने इस गोरीले को बचपन से पाला था, पर जब यह व्यस्त हो गया तो इसे जंगल में छोड़ना पड़ा, जिसके 5 साल बाद डैम्बियन का अपने इस दोस्त से मिलने का दिल हुआ तो वो जंगल में जाकर उसे इस आस में पुकारने लगे कि शायद वो उसे पहचान ले। और उसने उन्हें सच में पहचान लिया था, जो कि अब उन्हें जाने ही नहीं देना चाहता। जब इस शेर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया तो इसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। ऐसे में जब इसकी पुरानी केयरटेकर को इससे मिलवाया गया तो तब जाकर इसने खाना पीना प्रारंभ किया था। और अब जब भी ये इससे मिलने आती है तो ये कुछ ऐसे मिलते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि बिल्लियां अपने मालिक को घर वापिस आए देख उत्सुक नहीं होती, तो मैं उन सभी लोगों को सुझाव देना चाहूंगा कि उन्हें भी शेर पाल लेना चाहिए। क्योंकि जब इसका मालिक कई दिनों बाद इससे मिलने आता है तो ये उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। हालांकि पहाड़ी शेर एक जंगली जीव है, पर ये कुगर तो स्वयं को एक बड़ी बिल्ली मानती है, बस जो कि अपने मालिक से पुनः मिल अपना प्रेम ऐसे जताती है। भले ही भेड़िये इंसानों के प्रति बहुत आक्रामक होते हैं,
परंतु अनीता नामक इस महिला ने भेड़ियों के इस समूह के साथ बहुत समय बिताया है। तो जब ये 2 महीने बाद इनसे मिलने आती है तो ये समूह बहुत उत्साहित हो जाता है, जिसमें से एक तो इनका चेहरा ही चाटे जा रहा था। ये कैप्चन मंकी इस महिला को पुनः देख बहुत उत्साहित हो गए थे, जिसमें से एक तो बेचारा रोने लगा और दूसरा इनके कंधे पर चढ़कर बैठ गया था। 1969 में इस दंपति ने शेर को पाला, तो जब ये बड़ा हो गया तो इसे जंगल में छोड़ दिया गया, और जब ये लोग इसे दोबारा मिलने आए तो शेर ने इन्हें पहचान लिया और भागकर इनके गले लग गया। कंगारू के द्वारा जताए गए स्नेह का मुख्य कारण ये है कि इन महिला ने बचपन में इसकी जान बचाई थी, जो कि इससे अब कई महीनों के बाद मिल रही है। थाईलैंड में एक बहुत ही मजेदार पल देखने को मिला, जब 2.5 सप्ताह के इस हाथी के बच्चे को महिला पर प्रेम उमड़ गया, और क्योंकि ये महिला इसकी देखभाल करती है तो अब ये जबरदस्ती इनकी गोदी में लेटने का प्रयास कर रहा है। एक लंबे अंतराल के पश्चात मिलने के बाद भी इस गैब्रियल नामक चीते ने अपने पुराने इंसानी मित्र को पहचान लिया, और अब ये उनके गाल चाटकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है। ये देवी जी अपने इस बाड़े में कई दिनों तक नहीं आ पा रही थी, तो जब ये पुनः यहां आती है तो इनका ये कलहंस पंख फैलाकर इनका स्वागत करता है। ऊंट हम इंसानों को गले कुछ ऐसे लगाते हैं, और ये ऊंट अपने इंसानी मित्र से कई दिनांक बाद मिल रहा है। यहां एक संस्था ने आवारा कुत्ते, जो कि बुरी स्थिति में थे, इन कैदियों को उनका ध्यान रखने को कहा, तो जब उसमें से एक कैदी को रिहा कर दिया गया तो उसका इंटरव्यू लेने के बहाने उसे उसके पुराने साथी से 2 साल बाद अचानक से मिलवाया गया। ये महोदय अपने इस मित्र को देख बहुत हैरान और खुश हो गए थे। सोनिया नामक ये मादा रीच अपने पुराने मालिक से लगभग 15 वर्ष बाद मिली, और फिर भी उसने उन्हें पहचान लिया, जो कि उनके साथ अब कुछ ऐसे खेल रही है। चक्रवात में ये महाशय अपना घर खो बैठे थे, परंतु इन्हें घर से अधिक अपने खोए हुए कुत्ते की चिंता थी, क्योंकि घर की ऐसी हालत देख उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ये बच भी पाएगा या नहीं। चिंपैंजी और इन महिला का पुनः मिलन तो किसी की भी आंखें नम कर सकता है। यहां तक के गिद्ध भी अपना प्रेम और स्नेह व्यक्त कर सकते हैं, विशेषकर तब जब ये उस व्यक्ति से दोबारा मिल रहे हो जिसने इनका बुरे क्षणों में ध्यान रखा हो। वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा पल सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।